कभी मैंने ये दुआ नहीं करी मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए या अमीर बन जाए, बस यही थी अल्लाह मियाँ इनको नेक बना दें, यही दुआ करती थी मैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान नंबर वन कंट्री बनने वाला है फ्रीलांसिंग के अंदर, अब कौन है इसके पीछे? यही पागल। मुझे लगता है ऐसा है कि रेहान भाई की जो है चाहते हैं कि सब दुनिया में अच्छे हो जाए सारे, कोई दुनिया में बुरा इंसान बचे ही ना। Time, that's the moment when we start thinking, when we start to go deeper, and that's the place I believe he wants us to be creative. कभी कभी मेरी सास भी कहती है, मैं भी कहती हूँ कि मेरे मियाँ ना मोहम्मद बिन तुगलक है। टाइम से पहले उन्होंने कुछ चीजें नाफिज करी थी और लोग समझ नहीं पाए थे, ऐसी चीजें लाते हैं कि फिर उस वक्त तो लगता है ये कैसे, पर फिर वो होता है। लेकिन ये इतने बहादुर इंसान है, ये अल्लाह पे भरोसा करके लगे रहते हैं। रेहान अल्लाह वाला, जिसके साथ अल्लाह की एक मोहब्बत ताल्लुक है, अल्लाह का करम उस पे क्यों नहीं होगा? वो बगैर किसी अपने जाती लालच के लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, और वो जहां समझते हैं कि इस बंदे से हमारे लोगों को, ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है, तो उनको आगे करते हैं। और एक बात बताऊं आपको, वली को या वली कामिल को खुद भी नहीं पता होता कि वो वली है। ये आने वाला जमाना फैसला करता है।